तपाईँहरूलाई स्वागत यहाँ गाई छौ उम्मिद गरेर त चोकै होला। तो आजको टपिक स्टार्ट गरा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है। हमारे जो है कमेंट आया था नितिन कुमावत, और एक दो कमेंट मेरे पास पहले से भी आए थे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था पहले वाले कि मेरे को याद नहीं किसने किया था। हाल ही में जैसे जैसे मनीष कुमावत हुआ, नितिन कुमावत हुआ, इन्होंने कमेंट डाले थे कि यार जो अपने फोन को जो है कंप्यूटर में कैसे चलाए। एक्चुअली उनका क्वेश्चन ये नहीं था, उनका कहने का मतलब ये था कि हम अपने फोन जो है हमारा फोन है हमारे पास नहीं है एंड्रॉइड फोन, तो हम कंप्यूटर में कैसे यूज करें। लेकिन मेरे से जो जब मैं था तो मैं भी ये सोचता था यार फोन तो है नहीं, लैपटॉप है, पापा ने लाकर दे तो दिया, लेकिन अब यार ये फोन है नहीं तो मैं कैसे अपने फोन में लैपटॉप में व्हाट्सएप यूज करूँ, सारे की सारी चीजें यूज करूँ, तो वो कैसे मैं जो है इसमें यूज कर सकता हूँ, तो वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप कैसे अपने सिर्फ अपने कंप्यूटर में अपना सारा का सारा फोन यूज कर सकते हैं। तो चले दोस्तों मैं शंकर आज आप सबको ये टॉपिक बताने वाला हूँ, तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको जाना है अपने लैपटॉप कंप्यूटर तो होगा, यदि आप लैपटॉप कंप्यूटर में चलाना है तो आपको उसको अपने इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। इंटरनेट जानते हो क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करोगे वो आपकी हेडेक है, मेरी नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहला तरीका व्हाट्सएप वेब से चला लीजिए यदि व्हाट्सएप ही चलाना हो तो, लेकिन उसके लिए तो फोन चाहिए होता है, फोन ही होता था हम लैपटॉप से क्यों यूज करते। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है प्रूफ एप्लीकेशन है, मैंने 1.5-2 साल तक उसका यूज किया है। मेरे पास भी पहले फोन नहीं था तो मैंने भी खुद ने यूज किया है। तो इसका जो है लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया ब्लूस्टेस्क 4 या ब्लूस्टेस्क 3, ब्लूस्टेस्क 4 5 जो है अभी लेटेस्ट वर्जन इसका चल रहा होगा, शायद 6 चल रहा है, 5 या 6 चल रहा है अभी, बहुत दिन हो गए मेरे को इसका देखो आप। तो मैंने लास्ट जो वर्जन इसका यूज किया था ब्लूस्टेस्क 4 यूज किया था, तो अभी शायद 5 चल रहा होगा। तो आप गूगल पर सर्च कीजिए ब्लूस्टेस्क लेटेस्ट वर्जन, पहला जो लिंक आएगा या दूसरा जो नंबर का जो लिंक आएगा उससे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 500-600 MB का होगा, जैसे छोटा तो नहीं, 500-600 MB का होगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे अपने कंप्यूटर में, बिल्कुल क्या इंटरफेस आएगा आपके सामने, अपना मोबाइल जैसा ही बिल्कुल चलेगा। आपके सबसे पहले ईमेल आईडी मांगेगा, आपको ईमेल आईडी देनी है, और ईमेल आईडी देने के बाद में क्या होगा कि बिल्कुल आपका जो इंटरफेस फोन जैसा हो जाएगा, आप फोन की तरह से यूज कर पाएंगे। आपके इसमें प्ले स्टोर मिलेगी, तो प्ले स्टोर से जो सही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कार वाला भूम 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 जो भी आप चलाना चाहे वो सब चला सकते हैं, जो है पबजी हुआ इस तरह के गेम्स खेल सकते हैं। पबजी कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है, मजा आ रहा है ना बेटा, रुक जाओ चल आप बड़ो से बैन हो जाते जल्दी से। तो इस तरह के जो गेम है वो है जो जल्दी से बंद भी हो सकते हैं, लेकिन आप इसमें जो है अपना लुक तो उठा सकते हैं, मजे उठा सकते हैं इसके अंदर। उसी के साथ साथ दोस्तों आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, जितने भी सोशल नेटवर्क है वो यूज कर सकते हैं, जो भी वीडियो कॉलिंग वगैरह जो आप करना चाहे सब कुछ कर सकते हैं, ऑल इज ओवर मतलब सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप चलाने के लिए आपके पास सिम कार्ड तो छोटे वाला फोन तो होना ही चाहिए, ताकि उसमें नंबर डालो ओटीपी उसमें आ जाए, आप व्हाट्सएप कंप्यूटर में आसानी से यूज कर सके। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही जो है प्रूफ तरीका है, मैंने खुद ने यूज है। लेकिन बीच में छोड़कर वीडियो को ना जाए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कहां पर वर्क नहीं कर पाता है। एक्चुअली दोस्तों आज भी आपके कंप्यूटर रैम और रोम कम है, एक्चुअली 2 GB वालों में भी चलता है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम देने लग जाता है। मतलब यदि आप किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा यूज करोगे, उसमें बहुत सारे ऐप ज्यादा इंस्टॉल कर लोगे, तो ये देखिए फोन तो है नहीं जो सहन कर लेगा। अब मान लीजिए आपके कंप्यूटर की 2 GB रैम है, तो वो 2 GB रैम आपका सिस्टम भी ले रहा है, आपका सिस्टम 2 GB रैम को ले रहा है, उसी के साथ साथ आपको एंड्रॉइड फोन भी अवेलेबल करा रहा है, तो उसी के साथ साथ तो जो है आपको रैम तो अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए 2 GB में आप चला लेते हो चला लीजिए, लेकिन व्हाट्सएप वगैरह कुछ 1-2 एप्लीकेशन यूज कीजिए, पबजी खेलने मत बैठिए, वरना ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को बैन कर देगा, थप बंद हो जाओगे। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा कि आपका जो रैम हो और जो हार्ड डिस्क है वो काफी ठीक ठाक होनी चाहिए। 2 GB में यदि आप चलाते हो तो ज्यादा इंस्टॉल न कीजिए, चल तो जाएगा उसमें भी, लेकिन ज्यादा इंस्टॉल न कीजिए। लेकिन 4 GB और 8 GB है तो आप ठीक ठाक से एप्लीकेशन यूज कर लीजिए, उसके अंदर भी नहीं कि हमने भंडारा लगा दिया, आ जाओ सारे के सारे एप्लीकेशन मेरे में इसी में बैठ जाओ, मैं तो सब कुछ यूज करके देखूंगा। देखिए मोबाइल नहीं है, काम चलाओ तरीका है, आप आसानी इसी में चला सकते हो, और बहुत ही प्यारा तरीका, अच्छे से आप चला सकते हो। काफी जो है बच्चों का इस तरह का इसमें इंटरेस्ट रहता है, और काफी सीखने लायक चीज है ये, वो बहुत अच्छा लगा मुझे आपका क्वेश्चन। इस तरह से आप भी जो है कुछ सीखना चाहते हो, आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन आपका पॉइंट आपका क्वेश्चन बिल्कुल रियल सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। तो दोस्तों मैं संगर आपसे फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।